हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवल मिश्रा, योर इंग्लिश कंपेनियन। आज हम लोग आपके हाई स्कूल पाठ्यक्रम की पहली कविता का अध्ययन करेंगे। कविता का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। कविता का लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि हैं और इनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ है। इनकी मृत्यु भी ध्यान रखें, 29 जनवरी 1963 को इनकी मृत्यु हुई थी। कवि प्रकृति से संबंधित बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखते हैं। यह कविता भी उनकी प्रकृति से रिलेटेड है। कविता हमें बताती है कि प्रकृति में कितनी ताकत होती है, कैसे किसी व्यक्ति का मूड प्रकृति चुटकी में चेंज कर देती है, चुटकी में बदल देती है। कविता शुरू करने से पहले हम लोग कविता के बारे में ये जान लें कि कविता वाला जो प्रश्न है पेपर में कितने नंबर का आएगा, कविता वाले पोर्शन से हमें क्या क्या मिलेगा। तो ध्यान रखें, कविता का जो पोर्शन है वो पूरा है 8 मार्क्स का। टोटल 8 मार्क्स कविता में मिलेंगे आपको। उसमें पेपर में एक स्टेंजा दिया होगा और स्टेंजा के नीचे दिए होंगे 2 क्वेश्चन, जो आपको ओमार पे करने होंगे। वो विकल्पी टाइप के होंगे और आपको उस कविता को पढ़ करके, उस स्टेंजा को पढ़ करके उसमें से दोनों क्वेश्चंस का जवाब देना होगा, जिसके लिए आपको 1-1 2 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको जो कॉपी पे आपको लिखने को होगा, आपसे कहा जाएगा कि कोई अपनी एक कविता की 4 लाइनें लिखो, लेकिन भा वाली कविता आपको नहीं लिखनी है जो पेपर में दे रखी हो, तो उसके लिए भी आपको मिलेंगे 3 नंबर। इसके अलावा दूसरा आपको एक और क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन में सेंट्रल आइडिया दिए होंगे, 3 सेंट्रल आइडिया दिए होंगे। आपसे कहा जाएगा किसी एक कविता का सेंट्रल आइडिया आप लिखो, तो उसके लिए भी आपको मिलेंगे 3 नंबर। इस तरीके से टोटल पोर्शन हो गया आपका है 8 नंबर का। कविता वाला पोर्शन एकदम इजी है, अगर आप थोड़ी भी मेहनत करके तैयार कर लेते हैं तो आपको पूरे 8 के 8 नंबर मिल जाएंगे। अब देखें, बिना देरी करे हम लोग कविता को शुरू करते हैं। अब देखें फिर से, कविता में कवि जो है वह कुछ खराब मूड में है, उसका मूड अपसेट है, वह कुछ दुखी सा है और कहीं जा रहा होता है। रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे, जो कि धतूरे का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। देखें, द बे एक्रो, रास्ते में एक्रो एक कौए ने सुक डाउन ऑन मी, सुक डाउन माने होता हिला दिया मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो की डस्ट को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक पेड़ से। क्या तात्पर्य है, कभी का मूड कुछ अच्छा नहीं है, वह कोई पश्चाताप के मूड में है, कोई टेंशन में है और वह एक कहीं जा रहा होता है। रास्ते के किनारे एक धतूरे का पेड़ है, कभी कुछ समय के लिए उस धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। उसी समय क्या होता है, कोई कौआ आकर के उस धतूरे के पेड़ पर बैठ जाता है। जैसे ही वह पेड़ पर बैठता है, उस पेड़ की शाखाएं हिलती हैं और उस पेड़ पर जो बर्फ जमी हुई है, बर्फ के कण जमे हुए हैं, वे कभी के ऊपर गिर जाते हैं। जैसे ही बर्फ के कण कभी के ऊपर गिरते हैं, कभी का मूड बदल जाता है, कभी का हाव भाव चेंज हो जाता है। Has given my heart a change of mood. कभी कहता है उस बर्फ के कणों के गिरने से कभी का मूड चेंज हो जाता है, कभी का हाव भाव बदल जाता है। And saved some part of a day I had ruined. और बाकी जो दिन बचा था उसका, वो दिन उसका अब अच्छा हो जाता है। इससे पहले तो खराब था, कभी का मूड बहुत अपसेट था, कभी बहुत परेशान था, लेकिन इस घटना के बाद का जो टाइम बचा है कभी का, वह एकदम अच्छा हो जाता है और वह खुश हो जाता है। कविता के कुछ खास मीनिंग देखें। द बे, बे का मतलब होता है रास्ता, बे का तात्पर्य होता है रास्ता। क्रो का मतलब होता है कौआ। सुक डाउन का मतलब होता है हिला डालना। डस्ट का मतलब धूल होता है, यहां पर बर्फ के कण कह सकते हो आप। स्नो, स्नो माने होता है बर्फ। हेमलॉक का मतलब होता है धतूरा और ट्री का मतलब होता है पेड़। हार्ट का मतलब होता है, आपको पता होगा, हृदय। चेंज का मतलब होता है बदलना और मूड का तात्पर्य होता है हाव भाव, मनोदशा। सेव्ड का मतलब होता है बचाना। पार्ट का मतलब होता है हिस्सा और सम माने कोई हिस्सा, मतलब दोपहर की घटना है तो दोपहर का बाद का जो टाइम बचा हुआ है वो सब सेव्ड सम पार्ट में आ गया। आगे देखें, रूड, रूड का मतलब होता है दुखी रहा। कभी जो था पहले दुखी रहा, उसका मूड बहुत दुखी था, लेकिन अब उसका मूड अच्छा हो गया है, माने आपने देख लिए। अब देखें, कविता से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको स्टेंजा दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा हु इज द राइटर ऑफ दिस पोएम,
इस कविता, जो कविता यहाँ पर लिखी हुई है, जिस कविता को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर जो पेपर में दे रखी है, इसका राइटर कौन है। तो आपको कविता को पढ़ करके उसका राइटर समझना है, और राइटर वहां ऑप्शन दिए होंगे, आपको टिक करना है उनमें सही कौन सा राइटर है। तो उस कविता का राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरा आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये लाइनें जो आप लोग पढ़ रहे हो, ये लाइनें कौन सी कविता से ली गई हैं। तो आपको कविता का नाम याद करना है, टाइटल याद रखना है, डस्ट ऑफ स्नो की ये कविता, डस्ट ऑफ स्नो से ये लाइनें डस्ट ऑफ स्नो से ली गई हैं। एक और क्वेश्चन आ सकता है, वह क्वेश्चन होगा राइमिंग वर्ड का। अब राइमिंग वर्ड वाला क्वेश्चन कैसा होता है देखें, जो तुकान शब्द होते हैं वो राइमिंग वर्ड बोले जाते हैं। कविता में देख लें राइमिंग वर्ड कौन से हैं, एक ही बार में आप समझ जाएंगे कौन कौन से राइमिंग वर्ड होते हैं। देखें पहला आपका राइमिंग वर्ड है क्रो। अब क्रो लिखा हुआ आवाज समझो, क्रो इसे मैंने दे दिया ए। दूसरी आवाज आ रही है लास्ट वाले शब्द की, देखो मी, मी मतलब क्रो से मेल नहीं खा रहा है तो हमने इसे दे दिया बी। उसके बाद देखें तीसरी लाइन में आ गया स्नो। अब क्रो और स्नो मतलब पहली लाइन से तीसरी लाइन का मेल हो रहा है तो इसे फिर से हम लोग देंगे ए। उसके बाद चौथी लाइन देखें ट्री, ट्री ये मी से मेल खा रहा है इसका मतलब इसे भी हम लोग देंगे बी। तो पहले स्टेंजा की राइमिंग स्कीम हमारी क्या हो गई, ए बी ए बी। इसी तरीके से हम लोग दूसरे स्टेंजा की राइमिंग स्कीम चेक करेंगे। पहली लाइन के लास्ट में लिखा हुआ है हार्ट। अब ये नया वर्ड है, ना तो ये क्रो से मेल खा रहा है और ना ही ये मी से मेल खा रहा है तो इसे हम लोग देंगे नया शब्द सी। उसके बाद अगला हमारा है मूड, जो ऊपर वाली लाइन से मेल नहीं खा रहा है तो ये हमारा हो जाएगा डी। और फिर अगला है पार्ट, जो हर्ट से मेल खा रहा है तो सी। और फिर अगला हमारा है रूट, जो मूड से मेल खा रहा है तो हो जाएगा डी। मतलब क्या है, नीचे वाला स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, सी डी सी डी। समझ गए पूरी लाइन, राइमिंग स्कीम कैसे निकालना है वो भी आप लोग जान गए हो। इस तरीके से आप कविता की राइमिंग स्कीम संबंधित, लेखक से संबंधित और कविता संबंधित क्वेश्चन को याद कर लें, और कविता का सेंट्रल आइडिया और कुछ लाइनें जो आपको बताई गई हैं, कम से कम दो कविताओं से चार चार लाइनें आप लोग याद करें, निश्चित रूप से आपका ये पार्ट पेपर में पूरा पूरा सही सलामत हल हो जाएगा। ठीक बच्चों, थैंक।